गोरखपुर में गुरुवार को 10 नए कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही जिले में कोविड 19 मरीजों की तादाद 206 हो गई है। गुरुवार को कुल 224 नमूनों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 214 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव पाए गए। कोविड 19 पॉजिटिव पाए मरीजों में 4 उर्वा, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज और बेलघाट, खजनी, चौरी चौरा, कूड़ाघाट, बांसगांव और तारामंडल स्थित वसुंधरा इनक्लेव में एक एक मरीज शामिल है। पिछले 5 दिनों में कुल 55 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आपको बता दें, गोरखपुर जनपद में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों में गोरखपुर में कोरोना के 55 मरीज पाए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की है, लेकिन साथ ही शहरी क्षेत्र में भी इनका प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। अब खास करके शहर के कई हिस्सों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। अब तक 10 से अधिक डॉक्टर और 4 को भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली है, जिससे जनपद में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 206 कोरोना मरीजों में 127 मरीज के ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। ठीक होने का औसत 60% से भी अधिक है, जो राहत देने वाली बात है। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि उर्वा की विप्लवी बुजुर्ग गांव के 35 वर्षीय और 36 वर्षीय युवक 11 जून को दिल्ली से लौटे थे। यहीं के भताड़ी गांव के 54 वर्षीय व्यक्ति 3 जून को दिल्ली से लौटे थे। इसके अलावा बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के 1 लोग संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की वजह से पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स में काम करने वाला 48 वर्षीय एक व्यक्ति भी संक्रमित मिला है। वह शहर के तारामंडल स्थित वसुंधरा इनक्लेव के 22 नंबर ब्लॉक का निवासी है। इसके अलावा बेलघाट और खजनी के एक एक व्यक्ति में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें एम्स में कार्य करने वाला एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 206 हो गई है। इसमें 127 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, 8 की मौत हो चुकी है, 71 का इलाज चल रहा है। गुरुवार को 224 जांच में से 214 निगेटिव आई है, जबकि 10 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।